दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को हराकर ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर कर ली है। आपको बता दें, इस मैच में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से मात्र 29 गेंदों में 50 रन बनाए। इस मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई रोहित शर्मा और कृणाल पांड्या ने। दोस्तों, इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक बड़ा इतिहास भी रच दिया। दरअसल ये न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम की पहली T20 जीत रही। इससे पहले भारतीय टीम कभी भी न्यूजीलैंड की धरती पर कोई भी T20 मैच नहीं जीत सकी थी। अब दोस्तों, इस सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मैच 10 फरवरी को खेला जाना है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो ये सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 बताई है, जो कि हमें इस मैच में देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें, इसमें उन्होंने दो बहुत ही बड़े बदलाव भी किए हैं, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी प्लेइंग 11। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और शिखर धवन। दोस्तों, हमने देखा था पिछले मैच में इन दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी। खासकर रोहित शर्मा ने तो ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हुए मात्र 29 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था। आपको बता दें, इसी के साथ पिछले मैच में रोहित T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए थे। तो ऐसे में इनसे तो हम सभी को बहुत उम्मीदें रहने वाली हैं कि ये तीसरे T20 में भी कुछ ऐसा ही कमाल ज़रूर करेंगे। वहीं बात करें शिखर धवन की, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 31 गेंदों में कुल 30 रन बनाए थे, लेकिन अब अगले मैच में हमें इनसे थोड़ी और धुआंधार पारी की उम्मीद ज़रूर होगी। फिर होंगे अगले नंबर पर शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल विजय शंकर की जगह पर अगले मैच में शुभमन गिल को मौका मिलेगा। इसका कारण ये है कि विजय शंकर को अभी एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में खिलाया जा रहा है, लेकिन वो अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा कि वो मात्र 14 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो ऐसे में अब उनकी जगह पर शुभमन गिल को मौका मिलेगा। अब देखते हैं कि ये कैसा प्रदर्शन करेंगे। फिर अगले नंबर पर होंगे ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, ये भी अब दोबारा फॉर्म में वापस आ गए हैं। हमने देखा था पिछले मैच में उन्होंने शानदार तरीके से 28 गेंदों में 40 रन बनाए थे और नॉट आउट भी रहे थे। तो ऐसे में अब हमें इन पर पूरा भरोसा है कि ये अगले मैच में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। फिर होंगे अगले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, ये तो हमेशा ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने बल्लेबाजी की और 17 गेंदों में 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारतीय टीम को मैच जिताकर आए। तो ऐसे में ये तो तय है कि अगले मैच में भी ये अपना शानदार प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रखेंगे। फिर होंगे अगले नंबर पर दिनेश कार्तिक। दोस्तों, हालांकि पिछले मैच में इन्हें बल्लेबाजी तो नहीं मिली थी, तो अब देखते हैं कि क्या अगले मैच में ये कुछ खास कर पाते हैं या नहीं। फिर होंगे अगले नंबर पर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, पिछले मैच में बल्लेबाजी तो इन्हें भी नहीं मिली थी, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। एक तरफ हमने देखा था कि पहले T20 मैच में हार्दिक पांड्या को 4 ओवरों में 50 से ज़्यादा रन पड़े थे, लेकिन वहीं पिछले मैच में इन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 36 रन दिए और एक विकेट भी लिया। तो ऐसे में इन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफ़ी सुधार किया है और यही चीज़ हम अगले मैच में भी देखना चाहेंगे। फिर होंगे अगले नंबर पर कृणाल पांड्या। पिछले मैच में इन्होंने तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका भी निभाई थी। आपको बता दें, इन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। तो दोस्तों, अब तीसरे मैच में भी हमें इन पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को फंसाएंगे। फिर होंगे अगले नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, ये तो हमेशा ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने 4 ओवरों में 29 रन देकर एक विकेट लिया था। फिर होंगे अगले नंबर पर कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगले मैच में युजवेंद्र चहल की जगह पर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले मैच में युजवेंद्र चहल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, इसीलिए अब उनकी जगह पर कुलदीप को मौका दिया जाने वाला है। फिर होंगे आखिरी नंबर पर खलील अहमद। दोस्तों, इनकी गेंदबाजी भी पिछले मैच में बहुत ही शानदार रही थी। इन्होंने अपनी 4 ओवरों में मात्र 27 रन देकर 2 विकेट लिए थे। तो ऐसे में
अब दोबारा ये फॉर्म में वापस आ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या तीसरे T20 में भी ये कुछ ऐसा ही कमाल कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये तो होगी पूरी भारतीय टीम तीसरे T20 मैच के लिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि जल्द ही भारतीय टीम में युवराज सिंह की भी वापसी होने वाली है। इसका कारण ये है कि युवी का फॉर्म इस समय बहुत ही शानदार चल रहा है। हाल ही में युवराज सिंह ने DY पाटिल टूर्नामेंट के एक मैच में 57 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। युवी ने एयर इंडिया की तरफ से खेलते हुए मुंबई कस्टम के खिलाफ ये बड़ी पारी खेली। आपको बता दें, दरअसल युवराज जब बैटिंग करने आए उस समय उनकी टीम का स्कोर मात्र 12 के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद युवराज सिंह ने अपना जलवा दिखाते हुए 4 छक्कों की मदद से 57 गेंदों पर 80 रनों की बड़ी पारी खेली। इतना ही नहीं, युवराज सिंह ने पहले पॉल वोल्टाती के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की और उसके बाद उन्होंने सुजीत नायक के साथ भी 88 रन की बड़ी पार्टनरशिप की। तो ऐसे में युवराज सिंह का फॉर्म इस समय काफी बढ़िया चल रहा है, इसीलिए जल्द ही BCCI अब इन्हें भारतीय टीम में शामिल करने वाली है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, अगर युवराज सिंह को भारतीय टीम में मौका मिलता है तो क्या वो शानदार प्रदर्शन दिखा पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट। अब दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे T20 मैच में अर्धशतक जड़ते ही रोहित शर्मा ने 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तो चलिए जानते हैं वो रिकॉर्ड। पहले रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि रोहित ने इस मैच में 50 जड़ने के साथ ही वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कुल 92 मैचों की 84 पारियों में 2,288 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 138 का रहा है। T20 में उनके नाम 4 शतक और 16 अर्धशतक हैं। अब दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि इस मैच में अपनी 50 रन की पारी में रोहित शर्मा ने छक्कों का शतक भी पूरा किया। दूसरा छक्का लगाते ही T20 में अपने 100 छक्कों के शतक उन्होंने पूरे किए। रोहित ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं। रोहित से पहले मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल ये कमाल कर चुके हैं। दोनों के नाम 103-103 छक्के हैं। अब तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि इस मैच में 4 छक्के जड़ते ही रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रोहित के नाम 349 छक्के दर्ज हैं। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम 348 छक्के हैं, और सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम 264 छक्के हैं। अब चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 रन से ज़्यादा स्कोर करने वाले रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 20 बार 50 या उससे अधिक स्कोर T20 में किए हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल हैं। अब दोस्तों, पांचवें और आखिरी रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि ये T20 मैच जीतते ही रोहित ने नियमित कप्तान विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा ने अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली है, जिसमें 12 मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई है। वहीं विराट कोहली ने अभी तक 20 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में कप्तानी की है, जहां 12 बार टीम को फतेह हासिल हुई। अगर हैमिल्टन में होने वाले तीसरे मैच में भी टीम इंडिया जीत जाती है तो रोहित भारत के दूसरे सबसे सफल T20 कप्तान भी बन जाएंगे। वहीं इस लिस्ट में टॉप पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मौजूद हैं, जिन्होंने 72 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में भारत को 41 मैचों में जीत दिलाई थी। तो दोस्तों, ये तो थे वो 5 बड़े रिकॉर्ड जो कि रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने नाम किए हैं। अब दोस्तों, तीसरा T20 मैच 10 फरवरी को हैमिल्टन में दोपहर 12:30 से खेला जाना है। आपको बता दें कि अगर आप ये मैच TV में लाइव देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ये मैच लाइव देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं 12:30 से, या फिर JioTV पर भी लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप किसी कारण की वजह से ये बहुत ही रोमांचक मैच नहीं देख पा रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी ध्यान से दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस मैच की पूरी हाइलाइट्स दी जाएंगी और इस मैच से जुड़ी सभी खबरें भी दी जाएंगी, इसीलिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, तीसरा T20 मैच भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं,
हमें नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम दोस्तों लाइक तो कर ही देना, अगर आप भारतीय टीम के बहुत ही बड़े फैन हैं और तीसरे T20 में उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल शेप का आइकन होगा उसे भी ध्यान से दबा देना, क्योंकि जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ अभी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।